हाँ वो हमारी शादी में जरूर आएंगे, तब मैं मिलाऊंगा ना तुम्हें उनसे। हाँ चलो अब तुम फोन रखो। अरे फोन पहले तुम रखो। नहीं पहले तुम रखो। अरे हम कह रहे हैं ना कि पहले तुम रखो फोन। हम फोन रखते हैं। गुरुजी गुरुजी मैं क्या था गुरुजी, और आपने मुझे क्या बना दिया गुरुजी, सड़क से उठा के मुझे। हमारे चरण छोड़ो। नहीं गुरुजी नहीं, अगर मैंने आपके चरण छोड़ दिया तो फिर मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। नहीं गुरुजी। और नहीं छोड़ोगे तो मैं गिर जाऊंगा। गुरुजी क्षमा क्षमा गुरुजी क्षमा। देखो मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है कि एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या? हाँ। कैसी समस्या गुरुजी? मैं तुम्हारे विवाह में नहीं आ सकता। क्या ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं दूसरों की शादी में मंडप तक नहीं लगा था, और मैं अपनी शादी कर लूं? वो तो है, लेकिन समस्या ये है कि पता नहीं क्यों मेरे परिवार के सदस्य तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं होना चाहते, और उनके बिना मेरा आना असंभव है। अरे तो फिर उन्हें समझाइए ना गुरुजी कि मैं क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया है। मैं एक बस बस ये संवाद मत दोहराओ। क्षमा गुरु। देखो मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं? लेकिन क्यों नहीं मान रहे गुरुजी? कारण तो मुझे भी पता नहीं, कदाचित वो मुझसे नाराज है। नाराज? तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगा ना। वो मेरी शादी में तो जरूर आएंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। चलिए मैं उन्हें समझाता हूँ। नहीं नहीं? तो फिर मैं जा रहा हूं। देवेश 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 मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं माँ मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। अरे भाई तू जा, लेकिन तू गा मत। अच्छा तो ये है आपका परिवार गुरुजी? सुनो हम क्या बोलता है, ऐसा रो मत। नमस्ते। नमस्ते। लगता है आप इन सब में बुजुर्ग हैं। जी आप मैं? जी जी। अरे बुजुर्ग होगी तेरी माँ। बोल इसे कुछ। बुजुर्ग? देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस विवाह में आइए, नहीं तो बेचारी जिगीसा का दिल टूट जाएगा। क्या बोला? अच्छा तो जिगीसा का दिल टूट जाएगा और ये प्रीति का दिल टूट जाएगा, उसका क्या हो? देखिए आप नाराज मत होइए, हम जरूर बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता क्या होता है? या तो यही शादी होगा या तो नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होने सकता है। देखिए अगर आप लोग इस विवाह में नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो ये विवाह संभव नहीं है। अरे यार नहीं हो पाएगी तो ना सही, हम तो वैसे ही नहीं चाहते कि शादी हो। आप ऐसा मत करिए बेचारी जिगीसा। फिर जिगीसा क्यों मेरे गले में नमक छिड़क रहे हो? कहा ना मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। हम शादी में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। परंतु क्यों नहीं आना आपको इस विवाह में? और ये विवाह तो बड़े धूमधाम से होने वाला है, और खाने में तो पूरी 450 रुपए की गुजराती थाली रखी है मेनू में। 450 रुपया? और वो भी शुद्ध शाकाहारी, जिसमें आम रस है, पूरी है, उंधिया है, ढोकला है। अच्छा सुन रस मलाई भी है क्या? एक मिनट माँ जी। भाई तुम कौन हो और ये शादी में आने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्या था, बस एक रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर। हम मेरे गुरुजी गुरुजी आप मुझे कहां से कहां लेकर आए। मेरे गुरुजी ने मुझे आश्रम में जगा दी, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं एक मंडप डेकोरेटर बन सकूं। तो तू मंडप डेकोरेटर है? तू चाहता है कि तेरे 2-3 हजार के फायदे के लिए हम सब शादी में आए? चल भाग इधर से, वरना तेरे चेहरे का डेकोरेशन है ना पूरा बिगाड़ के रख दूंगी। हाँ देवेश मैंने तुमसे कहा था ना ये लोग नहीं मानेंगे, तुम यहाँ से प्रस्थान करो। एक मिनट गुरुजी,
क्या आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं कि आप लोग इस विवाह के लिए इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? ये सवाल हमसे नहीं, अपने गुरुजी से पूछिए जो यहाँ हम सबके सामने ब्रह्मचारी का लेबर लटका के घूमते हैं और खुद शादी करने चले हैं। गुरुजी, आप विवाह कर रहे हैं और हमसे कहा तक नहीं? तुम्हें कैसे बताता, ये बात तो मैंने स्वयं को भी नहीं बताई। प्रीति जी, आपको किसने कहा कि हम विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं? देखा देखा कैसी भोली शक्ल बना रहे, खुद अपनी शादी का कार्ड बांट रहे थे और अब मुझसे पूछ रहे हैं। हमको तो बहुत पहले से मालूम हो गया था कि तुम जिगीशा को पसंद करता है और उसके साथ में शादी करने वाला है। गुरुजी, आपको जिगीशा पसंद? अगर आपको जिगीशा इतनी पसंद थी तो फिर मुझसे कह कर तो देखते। मैं कौन था, एक रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर ही था ना, और आपने तो मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं एक मंडप डेकोरेटर बन सकूं। देवेश, कुछ पल शांत हो जाओ, मुझे पता करने दो कि यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम कहाँ गलत सोच रहे हो। परंतु चिकित्सा दुपट्टा सा, इनसे कह दीजिए हम गलत नहीं समझ रहे बल्कि ये गलत कर रहे हैं। प्रीति जी का दिल तोड़कर इन्हें किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। किसने कहा कि मैं जिगीशा से विवाह कर रहा हूँ? एक मिनट, अरे फोन पर तुमने कहा था ना कि मैंने जिगीशा को देखा है, मुझे वो पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गुरुजी, आपने ये बात इनसे कही? हमसे नहीं। हाँ, मैं कौन हूँ, रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर ही था ना। आपने तो मुझे देवेश, शांत, कुछ पल शांत रहो। अपूर भैया, वो मेरे शिष्य देवेश के विवाह का निमंत्रण पत्र था। क्या? अरे पहले तुम शादी करना, हम लोग खामखा टेंशन में आ गए। क्या बात है, क्या बात है, इतनी खुशी की क्या बात है भाई? अरे खुशी की तो बात है समधी जी, अब देखिए ना, हम डर रहे थे कि पंकज शादी कर रहा है, लेकिन पंकज शादी नहीं कर रहा है, देवेश शादी कर रहा है। पंकज दोबारा कैसे शादी कर सकता है, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। नहीं नहीं, माँ तो यूं ही मजाक कर रही है। समधन जी, ऐसा मजाक आपको शोभा नहीं देता। oh, yeah. ऐसा मजाक तो ये राजू जैसे लोग कर सकते हैं। भाई तुम कौन? देवेश, देवेश तुम वही हो ना जिसकी पंकज भैया शादी करवा रहे हैं? जी। पंकज कहना पड़ेगा बेटा, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। श्रीमान, 18 तारीख को शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। अपूर्व, 18 तारीख हमारी फ्री रखना, हमें इनकी शादी में जाना है भाई। अंकल सिर्फ 18 नहीं, मैं तो कहता हूँ 17, 18, 19, 3 दिन फ्री रखते हैं, 3 दिन धमाल करते हैं शादी में। yes! आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी मकसा, इनसे पूछिए तो, अब तो ये खुश है ना? ओहो, पल्लवी, ये तो खुश होंगी ना, लेकिन बेचारे पंकज भाई को तो सोच, इसको नकली वाइफ से असली वाइफ बनाकर बेचारे दुखी दुखी हो जाएंगे। ओह प्रीति, तुम्हारा बैग। भाई ला, तुम एक कल को लेकर आया, इसको जाने देता ना। भैला, तेरे को पंकज भाई की जरा भी दया नहीं आती के? ये तुलिका की बच्ची, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी मेरे और पंकज जी का तो जन्मों का रिश्ता है। लेकिन मैं क्या कह रहा था प्रीति, इस जन्म के लिए ब्रेक दे दो ना बेचारे को यार, कितना जन्मो जन्मो। लेकिन एक बात तो बता, ये तू बार बार ऐसा क्यों बोलती है कि तेरा और पंकज का जन्म जन्म का रिश्ता है? क्योंकि
मैंने एक सपना देखा। परनीसा, इनसे ये तो पूछे कैसा सपना। मैंने सपने में देखा कि पंकज जी सलमान है, शहजादे सलमान, और मैं प्रीतकली। प्रीतकली, हम आपसे प्यार करते हैं, बताइए आपके इस सुंदर नृत्य के बदले में हम आपको क्या दें? पहले आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाइए, मैं डांस कर करके थक गई हूँ। अवश्य। पंकज जी मुझे पानी पिलाने ही वाले थे कि अब्बा जान आ गए। यदि प्रीतकली हमें ना मिली तो हम ये दुनिया छोड़ देंगे। सिपाही लोग, ए सिपाही लोग, ताड़ाताड़ी खाने आसुन, और ए नमा कूल को ए कूल वाटर के साथ ले जाकर हमारा बाथरूम का पीछे वाला दीवार में चुनवा दो। इस जीवन में ना सही, अगले जीवन में आऊंगा, इस जग के साथ उस जग में आऊंगा, और आपको पानी अवश्य पिलाऊंगा, अवश्य पिलाऊंगा। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि अगले जन्म में मुझे पानी पिलाने जरूर आएंगे। और पता है, जब मेरा सपना टूटा ना, तो पंकज जी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर खड़े थे। लेकिन प्रीतकली, इसमें बात पानी पिलाने की नहीं, शादी की है ना? कुलिका, सपने की मजाक नहीं उड़ाते आप। सॉरी। वैसे भी मुझे लगता है मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अरे 100% पूरा होगा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। बैग साहब, लेकिन इनसे पूछे तो सही, पंकज जी शादी के लिए मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेगा वो। अपूर्वा, कौन है? कहाँ? बाहर। अंदर से कैसे पता चलेगा? प्रीति भाभी, आप कुछ चाहिए था? हाँ, वो क्या है ना, मेरे कमरे में बहुत मच्छर है, आपके पास मच्छर अगरबत्ती या कॉइल वगैरह कुछ होगा? अपूर्वा, कुछ सोचा? किस बारे में? अरे पंकज जी को मनाने के बारे में। अरे मैं सोचूंगा, अभी रात है ना। हाँ, मैं सोचूंगा, सुबह में जाऊंगा। अरे अपूर्वा, अगर ऐसे कैसे चलेगा? थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। प्रीति, ये अंधेरे वाली सुबह है, उजाले वाली सुबह होगी ना, तब मैं खुद सोच के बताऊंगा, प्लीज। अच्छा, लेकिन पक्का सोचना है? पक्का तुम समझ रहे हो ना, मैं क्या? अरे तुम क्या, मैं क्या, सब समझ रहा हूँ मैं। बच गया, सपना देखने के लिए बिल्कुल सही टाइम है। पल्लवी, हमको छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जीने नहीं सकेगा। इस बार नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, हम अगला जन्म लेकर जरूर आएगा तुमसे शादी करने के लिए। आगे जन्म में तुम हमको छोड़कर मत चले जाना पल्लवी, प्लीज। पल्लवी, हमको छोड़कर मत जाओ पल्लवी, हम तुम्हारे बिना जीने नहीं सकेगा। पल्लवी, पल्लवी, हमको छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जीना नहीं सकेगा। पल्लवी, पल्लवी, हमको छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जीना नहीं सकेगा। अपूर्वा, तुम इधर में? नीम सा, इनसे कहिए इतनी जोर से चिल्लाएंगे ना तो कोई भी जाग जाएगा। अपूर्वा, हम तुमको बताने नहीं सकता है, हम सुबह सुबह
कितना भयानक सपना देखा है अपूर्व। यही हमारा पल्लू सा विक्टोरिया नंबर 203 में बैठकर चला जा रहा है और हम वो विक्टोरिया नंबर 203 के पीछे में सड़क पे भाग रहा है दादा, सड़क पे भाग रहा है। अच्छा मतलब सपने में भी तू हीरो के पीछे भाग रहा था, चोरी करने की आदत सपने में भी नहीं छूटती तेरी। ना ना दादा, तुम हमको गलत समझता है, वो विक्टोरिया नंबर 203 में हीरा नहीं था, हमारा हीरोइन था यही पल्लू। सच्ची बोलता है दादा, तुम समझो हमारा फीलिंग को। कागज साहब इनसे कहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये रहा इनका सपना जिसे ये रात भर से रट रहे हैं। कागज साहब इनसे कह दीजिए, समझा दें इन्हें कि हमसे ऐसे खेल ना खेलें। दादा दादा, हम इनके साथ में कोई खेल नहीं खेलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सपना देखने के बाद भूल जाता है, ये तो नॉर्मल चीज है। तो हम अपना देखा हुआ सपना भूल नहीं जाए इसके लिए हम एक पेपर में लिख के रख लिया, खेल नहीं खेलता है। तू क्या हम लोगों को बेवकूफ समझता है? ए अपूर्व, यही तो तुम हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करता है। जब प्रीति भाभी पंकज दादा के साथ शादी का सपना देखा तो तुम उनका शादी का सब अरेंजमेंट कर, अभी हम पल्लवी के साथ में शादी का सपना देखा है तो हमारा भी कुछ व्यवस्था करो। हम तुम्हारा छोटा भाई है, हमारा सपना भी पूरा करो। हा? करेगा करेगा, तुम्हारा भी व्यवस्था करेगा। आज से तुम हर रोज रात को ऊपर छत पर सोओगे, खुले आसमान के नीचे जितने सपने देखने हैं उतने देखो। दादा दादा सुनो, हमारा हमारा अन्याय मत करो, हमारा बात सुनो। ए पालूसा, क्या बोले बाबा, साला ये घर में हमारा फीलिंग का कोई कोई कदर नहीं करता है। आजीवन ब्रह्मचारी कैसे रहे? राजू भैया ये किताब किसकी है? अरे किताब है तो पंकज भैया की होगी ना। पर पंकज भैया ब्रह्मचर्य की किताब क्यों पढ़ेंगे? नहीं नहीं, ये अपूर्व की किताब है। अपूर्व की कैसे हो सकती है? झूठ मत बोलो। बिल बजरी हरीरा मदा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सुनाई नहीं दे रहा क्या उन्हें? ओ हरीरा मदा, अरे दरवाजा छोड़ो बाहर। अरे तो उनकी मशीन मेरे पास है, उन्हें सुनाई देगा तो दरवाजा खोलेंगे ना। तुम क्या कर रही थी बाहर? सुबह का इंतजार। देखो अपूर्वा, अब तो उजाले वाली सुबह हो गई है, अब तक तो कुछ सोचा होगा। मैं सो रहा था, तुम रात भर जाग रही थी। अरे तो तुमने क्यों नहीं सोचा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं भी तो सोच सकती थी। अब सोचो। आजीवन ब्रह्मचारी कैसे रहे? राजू भैया ये किताब किसकी है? अरे किताब है तो पंकज भैया की होगी ना। पर पंकज भैया ब्रह्मचर्य की किताब क्यों पढ़ेंगे? नहीं नहीं, ये अपूर्व की किताब है। अपूर्व की कैसे हो सकती है? अपूर्व की है लेकिन नया मेरे लिए है, मेरी शादी होने का कोई चांस तो है नहीं, तो ब्रह्मचर्य की खोज कैसे करें यही पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ शब्बू, ठीक है ठीक है, हाँ शाम को मिलता हूँ ना, चल बाय, टेक केयर। राजू भैया ये शब्बू कौन? गर्लफ्रेंड? तो आप उससे शादी नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करूंगा ना। तो फिर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं आप? वो क्या है आरती, कि ये मुझे ना कभी हाँ कभी ना फालतू में लटकाती रहती है, तो मैंने सोचा कि इसके सामने मैं किताब पढ़ने का नाटक करूंगा, तो शायद ये आइडिया तो अच्छा है आपका, आई विश वो आपको जल्द से जल्द हाँ कर दे। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू।